हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की न्यू लर्निंग वीडियो में एंड आज का वीडियो वॉल्यूम एनालिसिस पर बेस्ड होने वाला है एंड आज का वीडियो एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है कॉज़ हम कुछ न्यू कंसेप्ट को अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप ज़रूर आज के वीडियो को एंड तक वॉच करें जिससे आज के दिन आपको कुछ नए कंसेप्ट या नई बातें अबाउट प्राइसेस एंड वॉल्यूम को सीखने को मिल सके चलिए सो so दोस्तों बिगिन करेंगे सो एस बी आई एन का चार्ट्स हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर ओपन है सो पार्ट वन वीडियो में जो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है ऑफ़ इनएक्टिविटी फेस एंड डोमिनेशन को रिलेशन ऑफ प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स तो इस को रिलेशन का हम एक छोटा सा रिकैप में यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा देन आज के न्यू कंसेप्ट की टूवर्ड्स हम प्रोसीड करेंगे सो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवम्बर का जो कि आज का चार्ट है ऑफ एस बी आई एन में हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सो so, दोस्तों एक को रिलेशन को यहाँ पर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा जो कि प्राइसेज एंड वॉल्यूम्स में को रिलेटेड है सो so, दोस्तों वॉल्यूम चार्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल है तो वॉल्यूम्स के साथ कैसे प्राइसेस को कोरिलेट किया जाता है दोस्तों वॉल्यूम्स का कोरिलेशन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सिंपल से कुछ रूल्स होंगे एंड उस रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब भी बाइंग साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा फ्रॉम प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल ध्यान से सुनिएगा हो सके तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि प्राइस में जब भी बाइंग साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट वॉल्यूम बार हमेशा प्रीवियस फाइव मिनट वॉल्यूम कैंडल से कंपैरिजन किया जाता है तो जब भी बाइंग साइड का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा फ्रॉम द प्रीवियस बार तो इसे बायर डोमिनेशन कहा जाएगा वॉल्यूम्स में तो जब भी बायर डोमिनेशन होगा प्राइसेस बाइंग मोमेंटम को कास्ट करेगा एंड जब भी सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा लाइक ए नाइन कैंडल प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल से तो इसे सेलर डोमिनेशन कहा जाएगा तो सिंपल है जब भी प्रीवियस कैंडल से बाइंग साइड का वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो बायर्स डोमिनेटेड मार्केट होगा एंड जब भी प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल से सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा आएगा लाइक इन दिस कैंडल तो इसे सेलर डोमिनेशन कहेंगे एंड जब भी प्राइसेस में वॉल्यूम डिक्रीज होगा देखिए जैसे किसी भी साइड का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है लगातार वॉल्यूम्स प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल से डिक्रीज़ हो रहा है तो इस फेज़ को इनएक्टिविटी फेज कहा जाता है जब भी ऐसा होगा कि प्राइसेस लगातार वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल से तो आप देखेंगे कि प्राइसेस में कन्विक्शन नहीं होगा ये चौपी मार्केट इसे कहा जाता है वॉल्यूम्स लगातार डिक्रीज़ हो रहा है किसी भी साइड का डोमिनेशन नहीं है। आफ्टर चौपी मार्केट देखिए सेलिंग साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स सेलर्स ने डोमिनेट किया तो प्राइसेस फॉल हुआ तो सिंपल रूल्स है कि जब भी बाइंग साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल तो वो बायर्स डोमिनेशन कहलाएगा जब भी सेलिंग साइड का इंक्रीज़ होगा सेलिंग डोमिनेशन कहलाएगा एंड चौपी होगा इट मीन्स वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है तो ये सिंपल थ्री रूल्स के बेसिस पर काफ़ी डीप में एक्सप्लेनेशन को पार्ट वन वीडियो में किया गया है जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू वॉच कर सकते हैं चलिए सो दोस्तों आज का वीडियो हम नए कंसेप्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस बेसिस पर हम इस को को यूज़ करेंगे तो एक ट्रेडिंग सिस्टम कहें या ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहें या ट्रेंड को कैसे कैच किया जाए एट दी राइट पॉइंट पर एंट्री कैसे बनाया जाए किसी ट्रेंड में इस मेथड को हम एनालाइज़ करेंगे या डिस्कस करेंगे विद दी हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स सो दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं प्राइसेस की मूवमेंट्स को रीड करने के लिए बट अभी वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा तो एक बेसिक्स या बिगनर्स के लिए आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ से एक मूविंग एवरेज को मैं प्लॉट किया है तो 200 मूविंग एवरेज को जो कि एक सिंपल ईएमए होगा आप इसे प्लॉट कर सकते हैं तो दोस्तों मूविंग एवरेजेस काफ़ी सिंपल हैं कि अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर है इट मींस बाइंग ट्रेंड है अगर नीचे है तो इट मींस सेलिंग ट्रेंड है तो देखिएगा कि यहाँ पर मार्केट्स बाइंग ट्रेंड में एंटर हुआ एंड 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया इट मीन्स प्राइसेस बाइंग ट्रेंड में है तो इस बाइंग ट्रेंड में एंट्री को कैसे क्रिएट किया जाए इसका मेथड हम वॉल्यूम्स के थ्रू देखेंगे चलिए सो ये बाइंग ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेवेंटींथ ऑफ नवम्बर को तो इस बाइंग ट्रेंड को कैसे हम ईजिली कैच करें या परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री को कैसे बच, बनाया जाए जिससे हमारा एसेल हिट होने का चांसेस वहाँ पर मिनिमम हो तो देखिएगा कि हम यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन को फाइंड आउट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से मैं पिक करूँगा सो so इस लाइन को या सपोर्ट क्रिएशन हम करेंगे सबसे फर्स्ट रूल है कि आप बाइंग ट्रेंड में सिर्फ बाइंग करेंगे एंड बाइंग ट्रेंड को फाइंड आउट करने के बाद मार्केट्स में सपोर्ट को ड्रॉ किया जाएगा तो देखिएगा सपोर्ट को किस बेसिस पर ड्रॉ करेंगे ये वॉल्यूम के बेसिस पर ड्रॉ किया जाएगा तो प्राइसेस को देखिए सो so, हमेशा रिट्रेसमेंट में एंट्री को लिया जाएगा अगर प्राइसेस बाइंग ट्रेंड में है तो ऑल टाइम हाई पर बाय करेंगे तो इट मींस आप स्टॉक को जब वो महंगा है अगर यहां पर हम इसे बाय करेंगे इट मींस स्टॉक जब महंगा है हाइएस्ट प्राइसेस पर है तब आप उसे बाय कर रहे हैं तो हमेशा रिट्रेसमेंट या गिरते हुए मार्केट्स में हम खरीदेंगे हमेशा बाइंग ट्रेंड में गिरते हुए मार्केट्स में बाय किया जाएगा तो देखिए जैसे कि यह पूरा एक बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग कब किया जाएगा गिरते हुए मार्केट्स में बाइंग को किया जाएगा कभी भी रनिंग ट्रेंड में इस मेथड के अकॉर्डिंग हम बाइंग को नहीं करेंगे सो देखिएगा ऑन सेवनटींथ ऑफ नवंबर प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट आया इसका मतलब प्राइसेस सस्ता हुआ है प्राइसेस में फॉल आया है तो ये बाइंग के लिए प्राइसेस यहाँ पर सस्ता हुआ है तो राइट right प्राइसेस या अच्छा प्राइसेस खरीदने के लिए कौन सा है जब प्राइसेस में डिस्काउंट मिले जब आप रिट्रेसमेंट में बाय करें तो देखिएगा एक रिट्रेसमेंट रैली में बायर्स के डोमिनेशन पर सपोर्ट को ड्रॉ किया जाएगा तो वॉल्यूम्स के थ्रू अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि बायर्स डोमिनेशन क्या होता है जब प्राइसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल बाइंग साइड का तो देखिए मार्केट में सेल ऑफ आया तो फाइंड आउट करेंगे कि बायर कहां से डोमिनेट कर रहा है देखिए एसबीआईन बाइंग ट्रेंड में है एसबीआईन फॉल हो रहा है तो एसबीआई कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा राइट तो ये हमें नहीं पता है हम किसी भी तरह का प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि एसबीआईन यहां से रिवर्स हो सकता है यहां से हो सकता है बट जहां से भी रिवर्स होगा वहां पर बायर डोमिनेट करेगा तो उसी बायर डोमिनेशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम से और ये वॉल्यूम से क्यों फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि बायर डोमिनेट अगर करेगा तो कैसे करेगा क्वांटिटीज से करेगा तो क्वांटिटीज वॉल्यूम्स में दिखेगा वॉल्यूम्स एक ऐसा इंडिकेटर है या ऐसा फैक्टर है जो कभी भी फेक नहीं हो सकता राइट ऑलवेज इट्स हंड्रेड परसेंट रिलायबल वॉल्यूम्स पर रिलाई किया जा सकता है चलिए क्योंकि काफी ही एक्यूरेट डाटा वॉल्यूम्स हमारा होता है सो so, यहां पर सेलिंग मोमेंटम में सेलिंग रैली में हम रिवर्सल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो रिवर्सल कहां से होगा जहां से बायर डोमिनेट करेगा तो वॉल्यूम्स में देखिए कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम बाइंग साइड का कहां पर आया है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल ये पहला कैंडल है बाइंग साइड का तो इस कैंडल के लो पर सपोर्ट को मार्क करेंगे यह ग्रीन कलर का कैंडल है जिसमें इंक्रीजिंग बाइंग वॉल्यूम आया है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल तो सपोर्ट्स को इस कैंडल के लो पर ड्रॉ किया जाएगा तो देखिएगा अब यहां पर रूल्स क्या होगा कि मार्केट में यहां पर इस सपोर्ट को क्रिएट किया गया है तो इस सपोर्ट क्रिएशन अगर यह ब्रेक हो जाता है राइट right? तो ये ब्रेक अगर हो जाता है तो ये सपोर्ट यहां पर इनवैलिड हो जाएगा अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट यहां पर इनवैलिड हो जाएगा तो अगेन सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इसके बाद देखिए कहां पर सपोर्ट क्रिएशन हुआ है अगेन टू दिस टेन डॉट फोर्टी फाइव कैंडल सपोर्ट किस पर ड्रॉ किया जाएगा जहां पर बायर डोमिनेट करेगा और बायर किस कैंडल में डोमिनेट कर रहा है ये आपको वॉल्यूम्स बताएगा तो वॉल्यूम्स में देखिए अगेन इंक्रीजिंग बाइंग वॉल्यूम आया है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल इन टू दिस ग्रीन कैंडल तो यहां पर लो पर सपोर्ट को मार्क किया जाएगा अब इस सपोर्ट के ऊपर अगर जो प्रीवियस वीडियोस में लॉजिक को बताया गया है कि सेलर ट्रैपिंग कैंडल पर आप बाइंग पोजीशन को बना सकते हैं तो सेलर ट्रैपिंग कैंडल एक ऐसा ट्रैपिंग कैंडल होता है जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम सेलिंग होता है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल तो ये एक सेलर ट्रैपिंग कैंडल है तो इसके हाई ब्रेक पर बाइंग को किया जाएगा बाय कीपिंग द एस एल एट नियरेस्ट स्विंग लो तो इस तरह से हमने ट्रेंड के रिवर्सल को यहाँ पर ट्रेड किया कि मार्केट्स ने अगर बाइंग ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं से ट्रेंड को मार्केट्स कंटिन्यू करेगा बाइंग ट्रेंड में है तो प्राइस का नेचर है स्विंग्स के फॉर्म में मूव करेगा तो राइट right स्विंग की एंट्री को लेने के लिए वॉल्यूम्स की हम यहां पर हेल्प लेंगे तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था एक काफी ही अच्छा बाइंग रैली मिला है तो इस ट्रेंड ट्रेडिंग मेथड में हम टारगेट्स को ट्रेल करेंगे चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एटीनथ ऑफ नवंबर को भी यहां पर चार्ट्स हमारा बाइंग ट्रेंड में है तो बाइंग ट्रेंड में देखिए एंट्री को कब लिया जाएगा रिट्रेसमेंट में या ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर एंट्री को लिया जाएगा मार्केट्स लगातार बाइंग रैली में है तो हाइब्ड मार्केट में बाइंग नहीं किया जाएगा गिरते हुए मार्केट्स में राइट right पॉइंट पर एंट्री को बनाया जाएगा राइट right? तो काफ़ी ही स्मार्ट हम काम करेंगे कि गिरते हुए मार्केट्स में बाइंग को किया जाएगा बढ़ते हुए मार्केट्स में ऑलरेडी प्राइसेस या राइट right प्राइसेस मिस हो चुका है ऑलरेडी प्राइस महंगा हो चुका है तो प्राइस का वेट करेंगे क्योंकि प्राइस बाइंग मोमेंटम में है प्राइस का नेचर है कि प्राइस स्विंग के मूवमेंट में मूव होगा तो यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो इस रिट्रेसमेंट रैली में ये रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा लगातार एस गिरता तो नहीं चला जाएगा तो हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि एस इस पॉइंट से रिवर्स होगा बट जिस पॉइंट से भी होगा उस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स इट मीन्स प्राइसिस को हम फॉलो करेंगे मार्केट से हम लड़ नहीं सकते हैं मार्केट से जीता नहीं जा सकता है मार्केट्स आर ऑलवेज सुप्रीम एंड ऑलवेज विल बी सुप्रीम अगर मार्केट्स में प्रॉफिट करना है मार्केट्स में प्रॉफिटेबल होना है तो देयर इज ऑनली वन वे इन टू द मार्किट्स इज टू फॉलो द मार्केट्स नॉट टू प्रिडिक्ट दी मार्केट्स तो प्राइसिस को हम फॉलो करेंगे कि जहाँ से बायर डोमिनेट करेगा हम बाइंग एंट्री को क्रिएट करेंगे तो देखिए मार्केट्स में प्राइसिस में रिट्रेसमेंट आया है तो so, रिट्रेसमेंट में गिरते हुए मार्केट में आप बायर डोमिनेशन को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए फर्स्ट बायर डोमिनेशन इज गिरते हुए मार्केट में पहली बार इंक्रीजिंग वॉल्यूम बाइंग हुआ फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल इन टू दिस ग्रीन कैंडल तो देखिए यहां पर क्या हुआ है इस ग्रीन कैंडल का सपोर्ट ब्रेक हो गया है बिना ट्रैपिंग कैंडल के क्रिएशन के तो ये सपोर्ट यहां पर इनवैलिड हो गया अगेन देखिए अगेन सपोर्ट क्रिएशन हुआ है अगेन इंक्रीजिंग वॉल्यूम बाइंग हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल अगेन ब्रेक हो गया तो ब्रेक होगा तो इसे इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा बट अल्टीमेटली एक सेलर ट्रैपिंग अगर अगेन रिवर्सल के बाद ऊपर बाइंग जोन में मिलेगा तो बाइंग पोजीशन को बनाया जा सकता है तो सेलर ट्रैपिंग कैंडल देखिए कौन सा मिला है प्राइसेस रिवर्स हुआ बाय डोमिनेशन के बाद दिस इज दी सेलर ट्रैपिंग बट हिट नहीं हुआ है तो अगेन एक सेलर ट्रैपिंग कैंडल कहाँ मिला है ये मिला है तो इस सेलर ट्रैपिंग कैंडल के हाई ब्रेक पर बाइंग को किया जाएगा तो अगेन इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हमने यहां पर ट्रेड किया है एक काफी ही अच्छा बाइंग मोमेंटम यहां पर देखने को मिला है चलिए वन मोर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे सो ऑन नाइनटीन ऑफ नवंबर देखेंगे कि प्राइसेस गिरते हुए मार्केट्स में आप सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे कि मार्केट गिरता ही तो नहीं चला जाएगा यही तो प्राइसेस का नेचर है कि है प्राइस स्विंग के मूवमेंट में फॉर्म करेगा स्विंग का नेचर है प्राइसेस का प्राइसेस ऑलवेज मूव इन दी मूवमेंट ऑफ स्विंग्स तो ये गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से बायर डोमिनेट करेगा एंड ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो सपोर्ट्स को ड्रॉ किया जाता है गिरते हुए मार्केट्स में चलिए सो तो इस फॉलिंग मार्केट में हम बायर का डोमिनेशन देखेंगे वॉल्यूम्स में तो देखिएगा इस सेल ऑफ मोमेंटम में कि कहाँ से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आ रहा है तो देखिए लगातार सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट टाइम इस ग्रीन कैंडल में इस पूरे सेलिंग रैली में फर्स्ट टाइम इस लास्ट ग्रीन कैंडल में आप देखेंगे कि बायर्स ने डोमिनेट किया है जो वॉल्यूम कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम बायर्स ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग किया है फ्रॉम द प्रीवियस फाइव मिनट कैंडल तो सपोर्ट्स को यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा इसके बाद एक सेलर ट्रैपिंग कैंडल पर या एक रेड कैंडल पर भी एग्रेसिव एंट्री को लेंगे तो रेड कैंडल के हाई ब्रेक पर भी बाइंग को किया जा सकता है बट कंजर्वेटिव बेसिस पर एक ट्रैपिंग कैंडल होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो ट्रैपिंग कैंडल सेलर ट्रैपिंग कैंडल मीन्स इंक्रीजिंग सेलिंग वॉल्यूम कैंडल तो इसके हाई ब्रेक पर हम बाइंग को करेंगे तो प्राइसेस ने थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर दिया है बट अल्टीमेटली ट्रेंड का एग्जॉशन था एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हम इस मेथड से काफ़ी ही ईजिली कैप्चर या ट्रेड किया जा सकता है चलिए सो so ये कुछ एग्जांपल्स को आज के दिन हमने इस वीडियो में देखा तो इस वॉल्यूम मेथड पर हम एक बैक टेस्टिंग वीडियो को क्रिएट करेंगे तो अगर आप इस मेथड पर लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो को देखना चाहते हैं या बैक टेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ एंड जो भी आपके इस मेथड को रिलेटेड डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर इंट्रा के अपडेट्स या कोई भी प्राइज एक्शन से रिलेटेड मेरा नॉलेज वहाँ पर शेयर किया जाता है तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं सो so, दोस्तों ये था आज का लर्निंग वीडियो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला होगा सो so, आगे भी इसी तरह की कई लर्निंग वीडियोस को मैं पोस्ट करने वाला हूँ ये जो भी लर्निंग्स हैं इसके बेसिस पर ये सिर्फ बेसिक्स लर्निंग्स हैं या काफ़ी ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि ये मच हायर एडवांस चीज़ों को या मच डीपर प्राइज एक्शन को इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा तो मेक श्योर करिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में रिप्रेजेंट करें सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे ट्रेडर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे